नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं जो इस वक्त रायपुर से मिल रही है, जहां पर मसाला गोदाम में भीषण आग लगी है। रीता मसाला उद्योग में ये आग की जानकारी मिल रही है। मसालों के धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फायर फाइटर की टीम मौके पर मौजूद है, दो गाड़ियां भी मौके पर आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। खासी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं क्योंकि मसाले हैं और जब मसाले होने की वजह से जो इनका धुआं है उसकी वजह से जो राहत और बचाव कार्य का दल है और स्थानीय लोग हैं उनको भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्लॉकेज, सांस लेने में ब्लॉकेज की स्थिति भी बन रही है। रेस्क्यू लोगों का लगातार जारी है। बहरहाल अब तक आग लगने के कारण अज्ञात बताए जाते हैं। हेमंत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत, कितनी देर पहले की ये घटना बताई जाती है और आग लगने के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? हेमंत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेमंत से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से एक बार फिर से बताते हैं, जहां पर मसाले के गोडाउन में आग लग गई है। मसालों का ये गोडाउन बताया जाता है, रीता मसाला उद्योग के गोडाउन में आग लगी है क्योंकि मसाले का गोडाउन है, जिसकी वजह से लोगों को जो धुआं वहां से निकल रहा है तो उस धुएं से लोगों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर मौजूद है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगातार जुटे हुए हैं। बहरहाल अब तक आग लगने के कारण अज्ञात बताए जाते हैं। तो मसालों के धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। तो मसाला गोदाम में भीषण आग लगी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।